नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम हैं सिरसागंज आलू मंडी में और यहाँ देखते हैं आज आलू क्या रेट बिक रहा है। आरती महोदय हमारे साथ हैं, व्यापारी महोदय हैं, इनसे चर्चा करते हैं आज की पोजीशन क्या है। क्या नाम है सर? जगदेव सिंह। क्या आज पोजीशन है सर आलू की? पोजीशन यही है, इधर जो है 400 रुपए से जो है 500 से 500 रुपए तक, 400 से लेकर 500 तक बिक रहा है। 400 से लेकर 500 रुपए तक बिक रहा है जी, प्रति पैकेट के हिसाब से। तोल बिकता है, तोल बिकता है 53 केजी। अच्छा 53 यानी 53 किलो का पैकेट। हाँ हाँ हाँ, 53 किलो का 400 से लेकर 500 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से आलू बिक्री हो रही है यहाँ पर। और जो जैसा आरती महोदय बता रहे हैं 53 किलो का पैकेट होता है। आप भैया व्यापारी हैं? शुभ नाम सर? पिंटू कुशवाहा। आज कितना लिए सर? लिए 1000 कट्टी। क्या रेट का लिए? 500 सवा 500 रुपए। 500 सवा 500। लोडिंग सर बाहर करेंगे या कोल्ड में डालेंगे? नहीं नहीं, कोल्ड में जा रहा है, लोडिंग भी हो रहा है। कोल्ड में डाल रहे हैं? लोडिंग भी हो रहा है, कोल्ड में भी जा रहा है। लोडिंग कहाँ कर रहे थे? पूर्वांचल में जा रहा है। पूर्वांचल जा रहा। कुल मिलाकर के ये भैया पूर्वांचल लोडिंग कर रहे हैं और भैया व्यापारी महोदय हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। शुभ नाम सर? विजय कुमार। विजय कुमार, आज कितना सर आलू लिए? 1200 कट्टी। क्या रेट के लिए था? 421 से 521। सर आप लोडिंग करेंगे या कोल्ड में डालेंगे? स्टोर टोटल स्टोर कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में भविष्य क्या दिखता है सर? ऊपर जाने में 5 वर्ष होगा, 8 महीना है। अच्छा अच्छा, हाँ उनसे जरूर मिलेंगे। कुल मिलाकर के बंगाल के व्यापारी हमारे फरुखाबाद छिबरा में बहुत नजर आते हैं, यहाँ भी है भैया। आइए इनसे चर्चा करते हैं। भैया शुभ नाम? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, आज लिए सर? हाँ लिए। कितना लिए आज? हम तो 2-3 दिन से लोडिंग कर रहे हैं बंगाल। हाँ, वहाँ क्या पोजीशन है बंगाल में? वहाँ थोड़ा कम है। कम है यहाँ की अपेक्षा? जैसे कि हमने क्षेत्र का सर्वे किया तो लोग कहते हैं 15 से 20% यहाँ कम है, वहाँ की क्या स्थिति है? थोड़ा कम है, 5% कम है उधर, 5-10% कम। खुदाई चालू हो गई अभी? नहीं हाँ, खुदाई चालू हो गई। चालू हो गई। कुछ हमारी कल परसों बात हो रही, कह रहे धीमी धीमी अभी, खूब नहीं इस तरफ खुदाई नहीं है। नहीं खुदाई चालू चालू हो गई। कुल मिलाकर के भैया ये बंगाल के हैं जिन्होंने बंगाल की स्थिति बताई है कि वहाँ भी खुदाई चालू हो गई है और आलू वहाँ 10.5% कम है, ज्यादा कम नहीं निकल रहा है। कुल मिलाकर के जो व्यापारी यहाँ सिरसागंज से माल उठा रहा है वो ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज कर रहा है और लोडिंग भी भेज रहा है, पूर्वांचल भी जा रहा है, बंगाल भी जा रहा है। सिरसागंज आलू मंडी से कई मंडियों में भी जाता है और कोल्ड स्टोरेज में भी जा रहा है। सर लाल आलू नहीं आता यहाँ? लाल आलू क्या पोजीशन है सर? तो आया नहीं है, कल आया था। कल क्या रेट बेचा था? कल तो बहुत ऊंचा बेचा था, 681 रुपए तक बेचा था। हाईलैंड? नहीं नहीं, लॉकर आलू था। अच्छा लॉकर। हाईलैंड क्या स्थिति है सर? हाईलैंड 600 रुपए मानो लाल आलू, लेकिन कम आता है अपने यहाँ? कम आता है, कम आता है। सिरसागंज में लाल आलू की स्थिति अगर बात करते हैं, लाल आलू कम है उतना नहीं, लेकिन सफेद आलू जैसा आप देख सकते हैं, इसमें भैया एक लॉट बिकी है अभी, बिकी हुई लॉट भर गई। इसकी क्या मांग है ये जो लाटे हैं? ये क्या मतलब बढ़िया आलू आप देख, कौन सा ख्याति है सर? ये 450 रुपए जैसा बता रहे हैं कि बिक्री लगभग हो जाएगी 450, यानी वही जो रेड निकल कर सामने आ रहा है 400 से लेकर सके 500 रुपए तक सफेद आलू की बिक्री सिरसागंज आलू मंडी में देखी जा सकती है। और वजन क्लियर होता है 53 किलो का, जैसा कि आरती महोदय ने बताया 53 किलो का पैकेट होता है जो 500 तक बिक्री हो सकती है।